जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडी प्रिंस पे। साथियों, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो एक पेपर बनाया गया है सीबीटी में, इस बार से जो कि 8 अगस्त से एग्जामिनेशन होने वाला है, चाहे फर्स्ट ईयर चाहे सेकंड ईयर, सभी ट्रेड के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 क्वेश्चन जो है आप लोगों के सीबीटी में सब्जेक्ट 1 में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग ये देखने वाले हैं जो कि नीमी की ओर से भारत स्किल वेबसाइट पे जो जारी किया गया है, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक, इसको हम लोग देखने वाले हैं। इसमें देखिए सैंपल क्वेश्चन ये डाला गया है जिसमें कि 20 टोटल क्वेश्चंस जो है जारी किए गए हैं। इस सारे 20 क्वेश्चंस को लेते हैं ताकि आप लोग को जो एग्जाम में जो आप जाइएगा एग्जाम देने के लिए सीबीटी एग्जामिनेशन, तो वहां पे आपको मे भी ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप भारत स्किल का वेबसाइट खोलिएगा तो यहाँ पे आपको सीटीएस सेक्शन में जाना है और चाहे कोई सा भी आप ट्रेड चूज कर लीजिए, सभी में ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेम क्वेश्चन दिखेगा जो कि फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो। ठीक है, तो सभी का मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, सभी में यही क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो उम्मीद है कि इसी से क्वेश्चन आना भी चाहिए। चलिए एक एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे। और एक चीज आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा सहूलियत के लिए मैंने क्या किया है, मर्ज कर दिया है पीडीएफ जितने भी है ईयर वाइज बना दिया। कहने का मतलब है कि जैसे कि अगर ये आपका जो पीडीएफ मैं ये जिसमें आपको बता रहा हूँ, ये पूरा देखिए फर्स्ट ईयर का एक ही पीडीएफ मैंने बना दिया है। देखिए जैसे कि फिटर ट्रेड के लिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इस तरह से अलग अलग जो है सिंगल कंबाइंड किया है सभी सब्जेक्ट। जैसे कि ये वाला पीडीएफ में आप सब्जेक्ट देखिए ट्रेड थ्योरी, डब्ल्यूसीएच, ईडी देखिएगा, इंजीनियरिंग रो देखिएगा, और यहाँ इम्प्रोपर्टी का भी इसी पीडीएफ में देखिएगा। तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पीडीएफ उठाइए, अपना पूरा पढ़ डालिए, सीबीटी में 150 में 150 नंबर ले आइए। तो ईडी देखिए कितना पे, तो 107 नंबर पेज, तो 107 नंबर पेज में हम लोग चलते हैं और ईडी के जो 20 क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएगा, वहां पे आपको सभी आपके ट्रेड्स का जो है पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आपके ट्रेड का अगर पीडीएफ नहीं है इस टेलीग्राम ग्रुप में, तो इसके लिए आपको मुझे कमेंट करना है और मैं जो भी आपका कमेंट देखूंगा, जो भी ट्रेड का, वो ट्रेड का इस जो टेलीग्राम ग्रुप है देख रहे हैं ये, इसमें मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर के इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, इस सबका जो पीडीएफ है वो ले सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स का। देखिए यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग का सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है दिया गया है, विच इज द लार्जेस्ट साइज ऑन सीट। तो यहाँ पे बोला गया है कि सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट सीट होता है ड्राइंग सीट का, सबसे बड़ा साइज क्या होता है। देखिए इसका याद रखिएगा, A0 जो होता है ना सबसे बड़ा साइज होता है, ठीक है, ड्रॉइंग सीट का जिसमें आप ड्रॉइंग बनाते हैं। उसके बाद देखिए फिगर, विच ऑफ द फिगर इज हेक्सागन, इसमें से हेक्सागन बोला है, षष्ठभुज बोला जा रहा है। तो षष्ठभुज क्या होता है, जिसकी 6 भुजा होती है। अगर गिनते हैं, अगर हम ये वाला ऑप्शन में ऑप्शन बी को, तो देखिए कितनी भुजा है, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, पांचवी और ये छठी भुजा। तो कौन सा आंसर लग जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, रोलर ब्रश कौन सा है। तो देखिए रोलर ब्रश आपका वही ब्रश होगा जैसे कि दीवार वगैरह में जो पेंट उंट करते हैं, तो यहाँ पे रोलर ब्रश का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, रोल होता है यहाँ पे। ठीक है, ये सर सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, बेलनाकार होता है, इसलिए रोल करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिलेट वेल्डेड ज्वाइंट के बारे में बोला गया है, तो फिलेट वेल्डेड ज्वाइंट बताना है आपको कौन सा है। तो याद रखिए ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी चले जाएगा, जो कि ट्रायंगुलर शेप का है। इसमें देखिए कंबाइन कर दिया गया है, इसमें दे दिया है फिटर, वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन, सबका डाल दिया गया है क्वेश्चन इसमें, मतलब इंजीनियरिंग ड्रॉइंग में। ठीक है, तो आई थिंक इसी से सभी ट्रेड्स का रहना चाहिए और अभी तो एग्जाम होगा उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे दिया गया है अगला क्वेश्चन, नेम ऑफ पाइप फिटिंग। अब इस पाइप फिटिंग का नाम पूछा गया है, इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है बताइए, इसको हम लोग प्लग कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लग। ठीक है, इसको प्लग कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन सिर्फ देखिए, विच व्यू इज ऑब्टेंड ऑन वर्टिकल प्लेन। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 6 का बोला जा रहा है कि वर्टिकल प्लेन में कौन सा व्यू ऑप्टेन किया जाता है, कौन सा व्यू जो है पाते हैं हम लोग। तो कौन सा पाते हैं, देखिए यहाँ पे फ्रंट व्यू पाते हैं। ठीक है, सामने सामने जो होता है ना उसको फ्रंट व्यू कहते हैं, तो यहाँ पे फ्रंट व्यू हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन 7। यहाँ देखिए ये जो जो आपको टूल दिख रहा है इसका आप बारे में बताना है। इससे ये क्या रोंदा टाइप का होता है जिससे कि लकड़ी वगैरह छीला जाता है ना, ये आगे वाला भाग का नाम पूछा है, ये वाला, इसके बारे में पूछा है। तो ये क्या है, वेज है, क्या है, WEDGE, वेज्ड। ठीक है, वेज, तो इसको कहते हैं हम लोग जो कि आगे लगाते हैं। देखिए ये वाला जो है आपका मेटल वाला पार्ट होता है, ये वाला, ये तो जिससे कि छीलते हैं और आगे एक लकड़ी का जो है, लकड़ी टाइप का जो है, कील टाइप का, मतलब कि उसको डाला जाता है। ठीक है, जिसको कि वेज कहा जाता है। ठीक है, WEDGE। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे एल्बो के बारे में बताना है, कौन सा एल्बो है यहाँ पे। देखिए एल्बो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चले जाएगा। ठीक है,
ध्यान रखिए ये क्या हो जाएगा, एल्बो इसको हम लोग कहते हैं। पानी वगैरह जो ज्वाइंट्स जो पाइप होता है ना उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है पानी में पाइप में। उसको देखिए सिंबल इसके बारे में, देखिए इलेक्ट्रिकल का यहाँ कुछ क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का इसके बारे में बोल रहा है कौन सा सिंबल है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है आप लोग का SCR का है, क्योंकि यहाँ गेट है ना, गेट टर्मिनल है, जी फॉर गेट, और ये T1 T2 या फिर B1 B2 टर्मिनल है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं SCR, ठीक है, सेमी कंट्रोल रेक्टिफायर्स फुल फॉर्म इसका होता है। नंबर सॉरी गाइस इसका ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसको हम लोग UJT कहते हैं, ठीक है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर्स कहते हैं, ठीक है, तो UJT हो जाएगा इसका, SCR नहीं होगा, गेट देख के मैं कंफ्यूज हो गया इसलिए। चलिए कोई नहीं, आपको ध्यान रखना है UGT इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक्स भाग के बारे में बताना है, इसके बारे में ये वाला जो पार्ट है इसके बारे में बताना है, क्या है ये क्या है आपका थ्रेड है, ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर बी थ्रेड है। उसको देखिए ये सिंबल, ये देखिए रेजिस्टेंस का यहाँ पे जो है इकाई जो होता है वो उसको हम लोग कहते हैं ओम में दर्शाते हैं, और ये जो भाग है ये देखिए ओम मीटर को बताता है, जिससे कि हम क्या करते हैं ये ओम मीटर क्या करता है रेजिस्टेंस को नापता है, कितना रेजिस्टेंस है, तो ऑप्शन नंबर सी चले जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में बताना है, कौन सा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। देखिए पहला नंबर ध्यान दीजिएगा, जिसमें कि इमीटर की तरफ एरो अगर लगा हुआ मिल रहा है आपको, इमीटर, अब इमीटर ये इमीटर होता है ई फॉर इमीटर, सी फॉर कलेक्टर, अब बी फॉर बेस, तो इमीटर की तरफ बाहर निकलता हुआ अगर करंट है तो उसको हम लोग NPN ट्रांजिस्टर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यूएसबी मेल कनेक्टर के बारे में बोल रहा है, यहाँ पे कंप्यूटर का कुछ क्वेश्चन आ गया, यूएसबी मेल कनेक्टर बताना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यूएसबी मेल कनेक्टर ये आपका बी ऑप्शन, क्योंकि मेल और फीमेल, तो फीमेल क्या होगा कि जिसमें की घुसेगा, और ये मेल हो गया जो कि निकला हुआ भाग है यहाँ पे देखिए, और ये जाके आपका सिस्टम में या फिर आपका जो है चार्जर में देखे होंगे जो इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट जहां करते हैं वो फीमेल पार्ट हो गया, और जो जो इंसर्ट किया जाता है ये यूएसबी केबल, तो ये हो जाता है आपका मेल पार्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 देखिए, सॉकेट स्पैनर टाइप के बारे में बताना है, सॉकेट स्पैनर टाइप कौन सा है ये वाला, तो देखिए यहाँ पे 12 पॉइंट डीप है ये, देखिए ठीक है, इस तरह से गिनिएगा तो यहाँ पे अभी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 12 पॉइंट डीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सिंगल फेज एसी मोटर का सिंबल बोला है, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, एसी मोटर आएगा तो एसी का सिंबल इसका साइनसोइडल दिखना चाहिए आपको, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस इसलिए नहीं है क्योंकि डीसी मोटर, अब ये डीसी जनरेटर हो गया, ये क्या हो जाएगा डीसी, ये वाला आपका एसी मोटर का लाया, क्योंकि यहाँ पे सिंबल क्या है साइनसोइडल है इस वजह से, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। अब इस टूल के बारे में बताना है क्या है ये, ये क्या है देखिए स्क्रैपर नाइफ, इसको क्या कहते हैं हम लोग स्क्रैपर नाइफ, ये किचन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, सेफ लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मटेरियल इसके बारे में बताओ, विच इज द मटेरियल फॉर द गिवन ग्रेड ऑफ द फास्टनर, अब यहाँ पे मटेरियल पूछा गया है इसके कौन सा मटेरियल है ये, ये क्या है कार्बन स्टील का, कार्बन स्टील है, ठीक है, जिसमें कि फास्टनर में यूज किया जाता है, कौन सा मटेरियल का, तो कार्बन स्टील का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ वेरिएबल रजिस्टर बोला गया, तो रजिस्टर तो आपको पता है रजिस्टर किसको कहा जाता है, जिसका जो कि धारा को रोकने का काम करता है या फिर जो है उसको प्रतिरोध पैदा करता है, उसको हम लोग रजिस्टर कहते हैं, धारा के प्रवाह को रोकने का चेष्टा करना रजिस्टर का जो है प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे बोला गया वेरिएबल मतलब कि जो उसका वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ये वेरिएबल रजिस्टर का तो ये सिंबल होता है, लेकिन अगर उसमें एरो खाली वो लगा दीजिएगा तो वेरिएबल हो जाएगा, जिसका कि वैल्यू आप चेंज होता हो कर सकते हैं, रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्नैप हेड रिबेट के बारे में बोल रहा है, स्नैप हेड रिबेट, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चले जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस टाइप से जो क्रॉस में हो और सर्किल में क्रॉस उसको हम लोग स्नैप हेड रिबेट से डिनोट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ कोस्ट लाइन, अब इस कोस्ट लाइन को आइडेंटिफाई करना है क्या है ये, तो ये आपका स्टीप कोस्ट है, क्या है स्टीप कोस्ट, ठीक है, तो ये बस इतना पे ही हो रहा है और जो है इसके आगे क्वेश्चन प्रोवाइडेड नहीं है नीमी के द्वारा, तो उम्मीद है कि इसी से क्वेश्चन आएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इसमें सारे PDFs आप लोग को कंबाइंड किए हुए मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए, सीबीटी एग्जाम्स के लिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, धन्यवाद।